सर हम लोग जब से हम होश संभाले हैं, सिर्फ जब से आंखें खोले हैं, हम लोग यहाँ की गरीबी, मुफलिसी और बेरोजगारी को देखे हैं। यहाँ के युवा भटक रहा है, यहाँ के लोग शादी होने के कुछ दिन के अंदर ही अपनी उसकी बीवी का मेहंदी नहीं उतरता है, वो अपने परिवार को पालने के लिए अपने घर को छोड़कर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अंदर जाके रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पुल का समस्या है, यहाँ पर शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल से स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत कमज़ोर हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिसको हम चुन के भेजते हैं, ये इलेक्शन के समय पार्टी का बहाना करता है, सरकार बनाने के लोगों नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, पार्टी का बहाना बनाया जाता है। यहाँ नहीं, हम दिल्ली को देखकर वोट देते हैं, तरह तरह से हम लोगों को गुमराह करके हमारा वोट ले लेता है। लेकिन लेने के बाद फिर वो 5 साल बाद अपना चेहरा दिखाता है। हम लोग को जनता किस हाल में रहे, कैसी गुर्बती, कैसे ज़िंदगी गुजर रहा है, कहाँ पर क्या मामले हैं, केस मुकदमा हो, थाने का हो या कोई भी पब्लिक का मामला हो, हम लोग को किसी भी तौर पर कहीं पर भी यहाँ की जो हम लोग जिसको चुन कर भेजते हैं उसका सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए और अब की बार कांग्रेस, जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी, हम नाम लेके बोल रहे हैं कि वो पार्टी हम लोग को इतना गुलाम समझ रखा है, हम लोग को बेवकूफ़ समझ रखा है कि एक 75+ बुढ़िया को टिकट देगा और उसको इस बात का भरोसा है कि यहाँ के लोग उनको वोट देंगे। लेकिन हम लोग इस बार हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उस पार्टी को हम लोग सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि तुम हम लोग को बेवकूफ़, तुम्हारा गुलाम, हमने आज़ाद सबसे, उसके वाली सबसे लेकर तमाम लोगों को हम लोग सपोर्ट किए, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है, ये हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के भेजेंगे जो हमारे क्षेत्र का हो, जो हमारे दुख दर्द में शामिल हो, जो हमारी समस्याओं को सुने, जो हमको अपना समझे, इलेक्शन के समय सिर्फ हमको बहाना बनाकर जो धोखा में देकर हमारा वोट ले लेता है, ऐसे जनप्रतिनिधियों की हम लोग को जरूरत नहीं है। जो हमको अपना समझे, हम लोग ऐसे कैंडिडेट को इस बार इंशाल्लाह चुन के भेजेंगे। और तमाम लोग काफ़ी गुस्सा, और लोगों में गुस्सा है कि एक बुढ़िया को जो टिकट दिया, इसको इस मामले को लेकर लोगों में बड़ा रोष और गुस्सा है, इसका बदला इस इलेक्शन में हम लोग लेंगे। बिहार सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी आदमी जो है अच्छा नेता यहाँ पहुँच नहीं रहा है, अगर कोई है भी तो सब बिकाऊ नेता है। हमको तो एक नेता चाहिए हमारे विकास के लिए। हम पुटिया प्रखंड का वार्ड मेंबर भी है, लेकिन हमारी जो है एक वीडियो एक सीओ के साथ जो है हम आज तक जो है जूझ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम प्रतिनिधि होकर के वहाँ जो है हमको जगह नहीं मिल रहा है, वहाँ दलालों का अड्डा हो गया है पुटिया प्रखंड में। उसके पास पैसा है, पूंजी है, वो वोट खरीद सकता है। बाकी जो है हमारे पुटिया प्रखंड को जो है एक सुझाव, समझदार काम लेने वाला, सबके साथ वो विकास चाहिए, उस तरह का नेता भी। हम लोग जिसको जिता के भेजते हैं वो नहीं कर पा रहा कुछ इसके वजह से, और आज हम लोग जो है अच्छा खासा एजुकेशन है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग को जो है नहीं मिल रहा है। सरकार बोले थे कि मतलब जॉब दिया जाएगा युवा को, लेकिन किसी भी युवा को हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग पटना में भी गए हुए थे, अभी बाद में हम लोग पटना में भी फंसे हुए थे, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग को एक ऐसा नेता चाहिए जो हम लोग का समस्या को दूर कर सके, और अभी तक हम लोग जो है जिसको भी जिता के भेजे हैं वो लोग हम लोग का सही काम हम लोग को नहीं पहुँचा पा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इलाके में अच्छा खासा कोई विकास भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बार सोचे कि जिसको भी जिता के भेजेंगे एक ऐसा कैंडिडेट बना के भेजें जो हम लोग का विकास ला सके और हम लोग का आसपास में